किसी भी व्यक्ति का पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, खाना सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को बीमारियां सबसे ज्यादा पकड़ती है, जिसमें गले के संक्रमण, एसिडिटी, मोटापा और शरीर के अंदर दर्द भी होने लगते हैं। अगर आपको भी इस प्रकार की समस्या रहती है कि आपका पाचन तंत्र बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उसको मजबूत बनाने के सबके लिए हम एक ऐसी रेमेडी करेंगे जिसे करने पर आपका खाना तो डाइजेस्ट होएगा, आपका पाचन तंत्र तो मजबूत बनेगा, लेकिन साथ में और भी बहुत सारी बीमारियों को सही करेगा। जैसे कि हम बात करते हैं रीजन की, रेमेडी की और रिमूव की, तो रीजन के तौर पर अगर कोई भी व्यक्ति खाना खाते समय पे पानी पीते हैं तो उनका खाना सही ढंग से पचता नहीं है। एक आदत होती है कि बहुत सारे लोगों की कि पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। खाना जो होता है वह पूरी मांसपेशियों के आंतों के अंदर चिपकने लगता है और वह सड़ने लगता है। अगर किसी भी व्यक्ति का वात, पित्त और कफ तीनों ही असंतुलित हो गए होते हैं तो भी पाचन तंत्र कमजोर होने लगता है। कोई सारी समस्याएं हो रही है कि आपको वात, पित्त, कफ भी बिगड़ा हुआ है, शरीर के अंदर बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, कफ वल्डम की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, खाना सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आज की रेमेडी को आप जरूर करें कि पाचन तंत्र को तो मजबूत करेगा, साथ में ही और बहुत सारी बीमारियों को सही करेगा और बिल्कुल नेचुरल 100% इफेक्टिव रेमेडी है। आपको क्या करना है, साबुत जो धनिया आता है जिसका कि हम मसालों के रूप में काम में लेते हैं, सूखा हुआ धनिया लेना है, उसको थोड़ा सा आपको भून लेना है। जैसे कि 100 ग्राम धनिया ले लीजिए और उसको आप थोड़ा साबुत ही सेक लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। अब आप क्या करें, अदरक का जो सूखा हुआ रूप होता है सोट, यानी सोट को भी आपको पाउडर के फॉर्म में ले लेना है। तो 100 ग्राम जैसे कि आपने साबुत धनिया लिया है तो 50 ग्राम आपका पाउडर लेना है। इस तरह से दोनों का मिश्रण बनाकर आप किसी एयर टाइट डिब्बे के अंदर भर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों चीजें इसलिए ली है कि सूखा धनिया जो होता है वह वात, पित्त और कफ तीनों पर ही काम करता है। अगर किसी भी व्यक्ति का पाचन तंत्र बहुत कमजोर होता है तो वात, पित्त, कफ बिगड़ता है, जिसकी वजह से ये सारा संक्रमण होता है, और गले के संक्रमण भी ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा होते हैं जिसमें थायराइड भी आ जाता है। अगर आपको इस प्रकार की समस्या रहती है तो ये सूखा हुआ धनिया होता है ये थायराइड पे काम करता है, गले के संक्रमण पे काम करता है, आपका पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग करता है और ये वात, पित्त, कफ को भी बिल्कुल बैलेंस में लाता है और बलगम को बिल्कुल जड़ से साफ करने में मदद करता है। तो सूखे धनिया के पाउडर का मिश्रण आपको तैयार करना है। जैसे सोट का पाउडर आपको एलर्जी नहीं होने देता, सर्दी जुखाम नहीं होने देता, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, कफ बलगम की समस्या जिन लोगों को होती है उसको बिल्कुल सही करता है, गले के संक्रमण नहीं होने देता, खाना सही ढंग से पचाता है और भूख को बढ़ाता है, ये वात और कफ दोनों पे काम करता है। जैसे मानसून के महीने में शरीर के अंदर बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लगते हैं, कहीं हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, कभी घुटनों में दर्द हो रहा है, कभी कमर में दर्द हो रहा है, या फिर बारिश के मौसम के अंदर आपको सर्दी जुकाम का संक्रमण भी ज्यादा लगता है, तो ये दोनों का पाउडर सारी बीमारियों को खत्म करेगा, शरीर के दर्द को बिल्कुल छूमंतर कर देगा। तो ये वात पर काम करता है जो कि शरीर के सारे दर्द आ गए, और कफ बलगम को बिल्कुल साफ करता है। खाना खा ले उसके बाद आपको आधा छोटा चम्मच भरना है, दोनों को मिक्स किया हुआ रखना है पाउडर को, और आधा छोटा चम्मच आपको गर्म पानी के साथ में इसको लेना है। इसे लेने के बाद आपका खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको कब्ज की शिकायत होगी तो भी सही हो जाएगी, पाचन तंत्र बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, जो आंतों के अंदर मल बिल्कुल चिकना हो जाता है, कफ बलगम की समस्या पैदा करता है तो वह उसको बिल्कुल सही करेगा। इसके साथ कुछ चीजों को जरूर रिमूव करें, जैसे कि तला हुआ बिल्कुल ना खाए, अचार का प्रयोग बिल्कुल ना करें, और ऐसी चीजें बिल्कुल ना खाए जो कि आपके आंतों के अंदर चिपकने लगे, जैसे मैदा से बनी हुई चीजें नहीं खानी है। तो इस तरह से कुछ परहेज करते हैं तो ये रेमेडी काफी पावरफुल है, पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग कर देगी, और अगर पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां है जो आपसे अपने आप दूर हो जाएगी। जानकारी अगर आपको कुछ यूजफुल लगी है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।